आज हमारे साथ हैं चिश्ती फाउंडेशन के सदर हाजी सईद सलमान चिश्ती जी, जो तसव्वुफ़ और उससे जुड़े कई पहलुओं से हमें रूबरू कराएंगे। तो चलिए उनके ही अल्फाजों में तसव्वुफ़ के किरदार को समझते हैं। तसव्वुफ़ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुस्सलाम अलैका या सैयद अल मुरसलीन व रहमतल आलमीन। आदाब, ग्रीटिंग ऑफ पीस, नमस्ते। अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से बहुत बहुत दुआएं आप सबको। और मोहब्बत का ही नाम सूफीवाद है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अवाम, इंसानियत, तमाम मखलूक की जो खिदमत का जज्बा, उनकी जिंदगी, उनके हर लम्हे, हर अल्फाज। क्योंकि आपने यही फरमाया कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। लव टुवर्ड्स ऑल एंड मिलाज टुवर्ड्स नन, दैट हैज बीन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द चिश्ती सूफी ऑर्डर। जो चिश्तिया तरीका है तसव्वुफ में, उसकी बुनियादी मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है, और अपनी जिंदगी को एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना, अपनी जिंदगी को एक ऐसा मैसेज बनाना कि उस मैसेज के तहत, उस पैगाम मोहब्बत के तहत, कि उस रब ने, अल्लाह सुबहान व तआला ने जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उस मकसद को पूरा कर सकें। तो तसव्वुफ, सूफीवाद, सूफिज्म, असल में जो इंसानी कुव्वत और जो मखलूक की जो कुव्वत है बुनियादी, जिस बुनियाद पे उसे तख्लीक किया गया, बनाया गया, वो मोहब्बत, इबादत, खिदमत और अपने रब की तरफ, जो हमारा रब है, जो सृष्टिकार है, अल्लाह सुबहान ताला की तरफ मुतवज्जो करके, फोकस, अटेंशन करके अपनी जिंदगी का हर लम्हा उस रोशनी में, उस तजल्ली में, उस नूर में जीना ही तसव्वुफ है। और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना इस दुनिया में रह के, उस रब की, उस परवरदिगार की कुर्बत हासिल करना, उसके करीब पहुंचना ही तसव्वुफ का, राह तसव्वुफ बताया गया है चिश्तिया सूफिज्म में, चिश्तिया सूफी तरीका में। ये बुनियादी बातें बताई गई हैं। जो भी मुरीद होते हैं सिलसिले में, जो भी डिवोटीज होते हैं, जो इस तरीकत पे चलते हैं, उनको सबसे पहली बुनियादी चीज यही है कि आप खिदमत खल्क की तरफ रुजू होके अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का जरिया पैदा करें। यही हमें देखने को मिलता है ख्वाजा गरीब नवाज, जो अताए हक, अताए रसूल, नायबुल नबी, सुल्तानुल हिंद का जिनको लकब है। और गरीब नवाज भी ऐसा लकब है कि आपने सबको अपनाया, हर मजहब व मिल्लत के लोग, किसी भी तबके के लोग, सबको गले लगाया, अपनाया। और आज भी 800 साल बाद भी, अभी कुछ ही दिनों में 809 सालाना उर्स अजमेर शरीफ में शुरू होने वाले हैं ख्वाजा गरीब नवाज की। तो इसमें ये जाहिरी तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरह हिंदुस्तान, हमारे देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी लोग आते हैं अपने अकीदत का इजहार करने, मोहब्बत का एहसास करने। और जो अपनापन यहाँ मिलता है उन्हें, वो हो सकता है कि जिस खित्तों से आ रहा है वो वहाँ पे नहीं मिले। तसव्वुफ का आगाज कब हुआ और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जब हम सूफी, लफ्ज सूफी की बात करते हैं, तो मैंने बताया आपको इसका ओरिजिन असाबे सूफा, और जो वो कपड़े पहनते थे सूफ के, और सूफिया जो लफ्ज है विजडम का ट्रांसलेशन कहते हैं, उसकी रोशनी से ये सिलसिला, ये कारवां है मोहब्बत अमन का, ये आगे बढ़ता रहा। तसव्वुफ और शरीयत में क्या फर्क है? जी कोई अंतर नहीं है। सूफीवाद ही शरीयत जो है पहली सीढ़ी है, जिसको तरीकत में कहा जाता है शरीयत, तरीकत ही सूफीवाद है, मारिफत और हकीकत। दीज आर ऑल द स्टेजेस दैट वी ऑल हैव टू गो थ्रू। ये शरीयत ही बुनियाद है तरीकत की, जो आप आध्यात्मिक सफर पे चलते हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है।
और तरीकत के बाद मारिफत जो डिवाइन रियलिटीज होती हैं, और हकीकत विच इज यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द डिवाइन रियल्म. सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड. इट इज अ पाथ विच दैट यू कम फ्रॉम गॉड एंड देन यू रिटर्न टू गॉड. कि हम खुदा की उस मखलूक की तरफ, ये रब की तरफ से मखलूक इस दुनिया में आती है, और जो उसका सफर इस दुनिया में वापस अपने रब की तरफ जाने का, यही शरीयत है, यही तरीकत है, यही मारिफत है, और यही हकीकत है. तसव्वुफ हिंदुस्तान में कैसे उभर कर सामने आया है? देखिए, हर दौर में, सिर्फ वर्तमान की बात ना करें, भारत में आध्यात्मिक जो जिंदगी है इसका बहुत ही एक सेंट्रल किरदार रहा है, बुनियादी किरदार रहा है. सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ पे बड़े ही आध्यात्मिक जिंदगी गुजर बसर करते हैं, आज से ही नहीं बल्कि कई हजार सालों से. और सूफीवाद का एक अहम हिस्सा ये रहा है कि इसने लोगों को जोड़ा है. जिस तरह मैंने कहा कि अजमेर शरीफ की जो बात करते हैं कि हर मजहब व मिल्लत के लोग किस तरह आते हैं, हर धर्म के लोग अपनापन पाते हैं, तो आज 21वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल है, आज ये कोरोना वायरस जो आया है इसने पूरी दुनिया को एक तरीके से झिझोड़ दिया है, हिला दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें हिंदुस्तान में, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक रोशनी के अंदर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, सूफीवाद जो अहम किरदार निभाता है एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर लोगों से जोड़ने का, तो उसका काफी अहम किरदार पहले भी रहा है, आज भी रहा है, और आने वाले दौर में भी वो रहेगा. खासकर 21वीं शताब्दी में जब हम टेक्नोलॉजी और दुनियावी जो एक भीड़ है या दौड़ भाग है उसकी तरफ, जो एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, उसको थमने के लिए कि हमें अपनी दुनियावी जिंदगी और रूहानी जिंदगी को बैलेंस करके चलना है, जो सिरातल मुस्तकीम की बात की गई है, जो मिडिल पाथ कहा गया है, जो दरमियाना रास्ता कहा गया है, सूफीवाद उस रास्ते पे चलने की शिक्षाएं देता है कि हम अपना इस दुनिया में भेजे गए तो दुनिया का जो हमारा फर्ज है उसको भी निभाएं, लेकिन जो हमारी रूहानी जिम्मेदारी है, जो हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, जो स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको भी हम एक बीच के रास्ते पे चलते हुए, कि ना तो हम पूरी तरह दुनिया की तरफ जाए, और ना ही हमें किसी पहाड़ पे जाके बैठना है जिंदगी भर, या किसी गुफा में अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है और हमें कहें कि हम भाई खुद ऊपर वाले या रब की तरफ हम मुतवज्जो हैं. सूफिज्म जो बीच का रास्ता है कि हम, बेशक उसमें सेक्लूजन भी होता है, कुछ वक्त के लिए आप चिल्ले में भी जाते हैं, ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, when you are attuned with those spiritual understanding and awareness and consciousness, you have to come back to the worldly life. आपको अपने माशरे में आके खिदमत करनी है, मखलूक की खिदमत करनी है, इंसानों की खिदमत करनी है, एनवायरमेंट की खिदमत करनी है, जितने भी मखलूक जो क्रिएशन है, एंटायर क्रिएशन. मखलूक का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, मखलूक का मतलब होता है क्रिएशन, और इस क्रिएशन में तमाम चीजें आती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट क्राइसिस हो, फॉरेस्ट हो, क्लाइमेट चेंजेस हो, या इंसानी हमारा किरदार हो. तो वी हैव टू बी ऑल टुगेदर इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ सर्विंग एवरीबॉडी. तो सूफीवाद जो है वो आज 21वीं शताब्दी में, जब हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर के गैजेट्स हैं, दुनिया भर की तरफ हम भाग रहे हैं, आज कोरोना ने ये एक अहम पैगाम भी दिया है, मैसेज दिया है कि नो मैटर हाउ वी आर, हाउ प्रोग्रेसिव इनटू द वर्ल्डली सेंस वी आर, बट इफ यू आर नॉट अवेयर टू द व्हाट वी आर कैरिंग इनसाइड अस, जो हम अपने अंदर जो चीज, जो हम अंदर हमारा जो रूहानी खजाना है, उसको जब तक हम नहीं पहचानेंगे तो दुनिया की कितनी बड़ी तरक्की क्यों ना हो, उसका हम आगे तक बढ़ नहीं सकते हैं. तो सूफीवाद भारत देश के लिए बहुत अहम है. जहां तक कट्टरता का सवाल है, जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, उसको जवाब देने के लिए सिर्फ सूफीवाद ही एक ऐसी चीज है जिसको हम यूथ को, हर तबके के लोगों को मोहब्बत के पैगाम से, हर तरीके के कट्टरवाद से दूर रख सकते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब में हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम कट्टरवाद को खत्म कर सकते हैं. और यही पैगाम हिंदुस्तान की सरजमी से, भारत देश की धरती से पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं. हुकूमत को, सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो दुनिया भी हमारी पढ़ाई है उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसको हम इंटीग्रेट कैसे करें, सूफीवाद को इंटीग्रेट कैसे करें हमारे करिकुलम में, सूफिज्म को इंटीग्रेट कैसे करें, जो सूफी पोइट्री है, सूफी टीचिंग्स है, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें. इफ वी आर एबल टू डू दैट, देन देयर विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द 21st सेंचुरी एंड बियॉन्ड, इंशाल्लाह. दैट्स आवर दुआज फ्रॉम अजमेर दरगाह शरीफ. बहुत बहुत शुक्रिया.
आपका हमारा है न्यूज चैनल का और तमाम जो लोग इससे जुड़े हैं, जहां तक ये पैगाम जाए मोहब्बत का, क्योंकि ख्वाजा साहब का भी पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं।